हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है, बहुत अरसे बाद एक चेहरे को हम अपनी वीडियो में लाना चाहेंगे। और ये चेहरा जो है वो काफ़ी दिनों से हमारे चैनल से ओझल है, तो हमने सोचा कि नहीं, तुम्हारे बिना सुना सुना सा लग रहा है, तो आ जाइए आप भी हमारे वीडियोज में। आप लोग इस पर्सन को बहुत सारे लोग बहुत मिस भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज, बाहर का दिखाऊं? बाहर का पर वो अगले वाले व्लॉग में, हाँ वो आप लोगों को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। वो मैंने कर लिया है रिकॉर्ड। तो जी, मिलिए इस फेमस हस्ती से फेमस जो कि एक यूट्यूबर है, है ना? अब तो इनको भी चैनल का नाम है गौरवप्रिया व्लॉग्स, अब तो इनको भी बोल सकते हैं यूट्यूबर। गौरवप्रिया व्लॉग्स है जी, हम दोनों का चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लो। तो मैं देख सब्सक्राइबर मैं भाई पे बैठी तो मैं ऊंची लग रही है ना, उसे सब्सक्राइब कर लो जी, उसके सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ा दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लिया करो और थोड़ा सा प्यार भी दे दो, देख भी लिया करो। आप कह दो आपकी बात नहीं नहीं कर लेंगे। और तो मिल रहा है इतनी जल्दी, इतने जल्दी चैनल ना चला करते लोग बाग, एक 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 साल तक 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाते 1-1 साल तक, फिर भी लोग प्यार के लिए धन्यवाद। मैं ये तो कहा ही नहीं, बस तो मतलब कि प्यार और सम्मान के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतना लायक नहीं हूँ जितना मुझे मिल रहा है, बस तो लायक मैं नहीं हूँ। बहुत जल्दी मतलब कि देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और 1-1 साल तक लगे रहते हैं, और पर उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो समय लगता है, तुम्हें भी तो बहुत समय लगा। 1 साल लगा था मुझे पूरा, मतलब 1 साल लग गया था। 1 साल कमरे में बड़बड़ कर रहा है, हाँ, बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे जब चल रही थी। हमारी पहली वीडियो थी मंदिर वाली, मंदिर वाली वीडियो जो कि 6-7 हज़ार चली थी, हम उसी को वायरल, तीसरी चौथी वीडियो थी हमारे चैनल की, हाँ मंदिर वाली थी। पहली वीडियो को देखती हूँ और अब के मैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब की हो गया। मैंने हेयर कट करवाया था अभी, मैंने बहाने रखे वैसे सेटिंग कर, वो तो हो रहा ना, थोड़ी सी लाइट का वो हो गया, लाइट एक ही बल्ब है पूरे कमरे में, चांद बस ऐसे ही हो रहा। वैसे लाइट ही लाइट लग चुकी है पूरे घर में, मतलब लाइट ही लाइट है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमने सबसे ज्यादा जो इसी वजह से पता है, हमने टाइल्स वो बिल्कुल लाइट कलर की, और पेंट वो तो होना ही वाइट है, और फिर ऊपर से लाइट, मतलब कि बोलते हैं ना कि लाइट कलर में जो नहीं, लाइट कलर में लाइट बहुत अच्छी आती है, डार्क कलर थोड़ा सा वो हो जाता है फिर, तो इसी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मजा आने वाला देख कर, सच में आज बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत सारा काम। तो चलिए अभी आते हैं मुद्दे की बात पर। हाँ जी, तो मुद्दा स्टार्ट करते हैं। मुद्दा भी आप ही लोगों से बना है, है ना, और आप लोगों के लिए ही है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस तरीके की वीडियो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो होने वाली है, हाँ बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम अभी ये चीज बोलना चाहेंगे कि जो गलती हमने की, जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो गलती वो ना करें। हमसे कुछ मिस्टेक हुई है जो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, पहले तो यही बताएंगे क्योंकि इन सब चीजों की मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कई दिन से बस परेशान ही परेशान हूँ, टेंशन ही टेंशन में हूँ। बात कर ले तो पहले, हाँ भाई, अभी इसी दौरान हमने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लिया और एक काम निपटाना, उसके लिए बातें घंटे बाद जाना, अभी रात के मतलब जो है लेट भी हो रहा है, हाँ। और अभी फिर जाना काम से रात। तो जी चलिए, अभी सबसे पहले मैं चीजें बतानी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो हमारा जैसे कि उसका हो रहा था पुट्टी का, अभी हमने पुट्टी फिर नहीं कराई, क्यों नहीं कराई वो आप बताओ, आप लोगों की वजह नहीं कराई, हाँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुझाव दिए, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए, और आप लोगों ने जिस तरह से हमें समझाया, क्योंकि हम तो एक एडमेंट हो गए थे, अडिग हो गए थे, नहीं करवा के हटेंगे, हाँ। एक बार करवा देंगे खत्म करेंगे, लेकिन जब कमेंट बॉक्स देखा और कमेंट्स बॉक्स में लोगों के सजेशन आए, इवन मुझे पर्सनली फोन पे मैसेज भी आया जिन लोगों के पास मेरा नंबर है कि भैया पीओपी नहीं करवानी है दीदी, पीओपी नहीं करवानी, क्योंकि अगर वो पीओपी पुट्टी, ये तो पीओपी और पुट्टी में बहुत कंफ्यूज है ना, वो पीओपी भी नहीं करवानी, दोनों चीज, पीओपी का तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, पीओपी करवाई वो गिर गई, गिर गई छत गिर ली है और पीओपी सारी गिर, धीरे धीरे छूट के नीचे गिर रही है, हाँ। अच्छा उसमें कोई रह नहीं रहा, तो किसी के ऊपर गिरेगी चोट भी लग सकती है,
तो पीओपी नहीं करवानी। और पुट्टी भी हमने क्यों रोक दिया, क्योंकि जब अगर आप गिल्ले मतलब जो प्लास्टर होता है जिसे लेसी बोलते हैं, अगर गिल्ले पे आप करवाते हो तो वो पकड़ नहीं बनाती अच्छी और सीलन रह जाती दीवारों में, जो आपको हमेशा सीलन नजर आएगी और वो आपके मकान की लुक को एकदम खराब कर देगी। और दूसरा वो पीओपी का तो ऐसा चक्कर है, पुट्टी का तो मैंने बता दिया कि खराब लगती है, सीलन आती है, पुट्टी का चक्कर पुट्टी आपने करवा दी, और पुट्टी अगर उस टाइम सीलन है लेंटर में तो पुट्टी धीरे धीरे छूट करके नीचे गिरने लगती है। वो पीओपी है, वो पीओपी है, वो मैं शुरू से ही मतलब कंफ्यूजन तुम समझ लेना, एक्सचेंज कर लेना है ना, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ मेरा फंडा, ऐसे ही रहता है। सुबह में इनको ये समझा रहा था पीओपी गिर जाएगी, पीओपी वो पुट्टी गिर जाएगी, पुट्टी गिर जाएगी, अगर पीओपी बोला अच्छा वो पीओपी छत वाली चीज, छत वाली चीज गिल्ला लेंटर हो तो कभी नहीं करवाना, अप्रैल मई जून में लेंटर गिर रहा है, धूप है तो गात गात करवा सकते हैं, लेंटर हीट करता है तो उसे सोख लेता है ठंड को, उसके जो टेम्परेचर को सोख लेते सूख जाती है। हमारा टेम्परेचर पहले से डाउन, ऊपर से हमारा लेंटर गिल्ला, ऊपर से हमने ठंडी पीओपी करवा दी, गिल्ली थी वो सारा कुछ मिला के कुल मिला गिर गए, नुकसान हो गया पैसों का भी और लेबर का भी, जो पैसा गया इट्स अ वेस्ट। तो दूसरी चीज पुट्टी का आप लोगों ने बताया नहीं करवानी, वो सजेशन बहुत अच्छा लगा जब हमने क्रॉस चेक किया हम इस तरीके साथ, तो उन्होंने सेम चीज बोली कि नहीं आप एक व्हाइट वॉश का हाथ लगवा लो, एक व्हाइट सीमेंट का हाथ लगवा लो, पुट्टी ठीक नहीं है। दूसरा ये था, और हाँ कुछ ना वो आ रहे थे कि आप तो टाइल्स भी मत लगवाओ गिल्ले में, और टाइल्स भी बाद में लगवाना, तो जैसे कि हमने फिर कुछ कमेंट्स भी देखे और फिर हमने सबसे पूछा भी, तो हमें सबने यही बोला कि नहीं टाइल्स में कोई दिक्कत नहीं है, टाइल्स आप लगवा सकते हो, टाइल्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी वजह से फिर हमने टाइल्स लगवाई। उसमें सही थे कुछ लोग, क्या होता है ना जैसे लोग आज लिसी करवाई कल टाइल्स लगवा दी, वो एकदम वो टीचिंग आ जाती है, टीचिंग मतलब बोलते खिंचाव करती है सीमेंट में, खिंचाव करते टाइल हल्का सा गैप कर लेती है, तो वो टीचिंग कब आती है जब आप तुरंत करवा देते हो, लेकिन हमने 8-10 दिन का गैप ले लिया और आपका सीमेंट थोड़ा सूख रहा है तो फिर उसमें पकड़ बन जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। तो हमने वो ट्राई किया, हमारा सक्सेसफुल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे कि हमने सिर्फ अभी एक गेट लगवाया था इस वाले रूम का, यही वाला, अभी हमने पूरे घर में कहीं भी गेट नहीं लगवाए हैं, तो इस वाले गेट को लगवा के भी हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे ही बारिश पड़ी और ये गेट खिंचाव किया, मतलब इन चीजों में खिंचाव आया थोड़ा टेम्परेचर बदलने से, वही तो ये अब स्ट्रक्चर बदल रहा है, मतलब वो अब खुलने बैठने में दिक्कत कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो ये भी अनुभव हुआ कि थोड़ा सा रुक के शायद चीजें करने चाहिए। तो अभी हमने जो है ये किया है कि अभी हम अपने पूरे घर में, क्योंकि हमारी जो चौखट है ना, और हाँ आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप ना चौखट सीमेंट की लगवाओ, कुछ लोगों ने एल्यूमिनियम की भी बोला था, तो हमारे यहाँ पे एक ना होता है जगह जगह का, वो भी होता है, कुछ जगह सीमेंट की चौखटें लगती हैं, कुछ जगह एल्यूमिनियम की चौखटें लगती हैं, पर हमारे यहाँ पे जो है वो लकड़ी की चौखटें ही लगती है। मतलब पहले से ही यहाँ पे हमने लकड़ी की चौखट ही पसंद करते हैं, मतलब हमने तो बस एल्यूमिनियम की चौखट वॉशरूम में लगती है, इसी जगह पे जहाँ पे पानी का पानी में ज्यादा वो है तो वहां लगवा लेते हैं। हाँ, और अभी फिर हमने ये हमारे पूरे घर में जो चौखट लगी, अगर पुरानी लकड़ी होती है, पुरानी लकड़ी होती तो वो नहीं कर रहती, मतलब कि वो उसमें नहीं आ रहती। हाँ, ऐसा होता है चौखट क्या है ना, जैसे ताजी लकड़ी ली, हाँ वो सूख है, चौखट की लकड़ी जो कटने के बाद वो सूखती है, हमने सूखने का समय नहीं दिया, बहुत जल्दी हमने चौखट वगैरह खड़ी करवा दी, चौखट जो है बैंड कर रही है कहीं कहीं से, कहीं से मतलब मुड़ रही है हल्की सी, कहीं से ऐंच आ रहा है चौखटों में, अब वो दिक्कत हम लोगों को आ रही है। तो कई तरह की सजेशन की लकड़ी, अब कोई लकड़ी खराब बताया था, जबकि हमने कपूर शाल लगवाई है जो खराब लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ठाक महंगी है मतलब, और ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई भी लगवा सकता है वो, तो अपने मतलब महंगी हमें मुझे लग रही है पर्सनली कि बहुत महंगी लकड़ी है, और वो लगवाने के बाद भी इसमें दिक्कत आ रही है, तो वी आर क्वाइट अपसेट कि मतलब चीजें खराब हो रही है, तो हमने मिस्त्री को बुलाया, उससे काफी बहस भी हुई, यार तुमने क्या कर दिया, तो बोला जी मेरी गलती नहीं लकड़ी है, ऐसे मिस्त्री बोलता है उसकी गलती है, मतलब ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कुल मिला के। अब हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ है कि ठीक है भाई अब तो लग गई, अब उसमें वो कट के छत के मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं वो करते हैं भर भर के, मतलब उसको ओके कर देंगे, बट इट्स ऑल द टाइम मतलब गलती हुई है हमसे कि हमें नहीं करना चाहिए था, हमें पहले वो रख के और सुखानी थी लकड़ी कुछ समय के लिए, जब ये हम विंडो वगैरह की लकड़ी लेंगे तो अभी नहीं चढ़वाने के, हम उसको लकड़ी को लेके छोड़ देंगे, अभी 2 महीने कम से कम उसको सूखने का समय देंगे, तो जितनी मुड़नी है मुड़ जाएगी, उसके बाद जो घिसाई वगैरह होती है उसकी, तो वो आराम से शेप में लाने के बाद फिर मुड़ेगी नहीं,
शायद ही हमारे केस में हुआ है, हमें तजुर्बा नहीं था, हमें चीजें खराब मिल गई हों या जो भी है, हो सकता है और लोगों के केस में ऐसा ना होता हो, और ये जो हम कह रहे हैं कि हो ही हो ये जरूरी नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, पर ये एक्सपीरियंस हमें जो हो रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई है ना हमारे साथ में, हमारे साथ। अब ये एक ही, चलो ये भी शुक्र है कि हमने एक ही गेट लगवाया, अभी हमें सब यही बोल रहे हैं कि अभी आप जो गेट है और जो विंडो आपको चढ़वानी है वो थोड़ा सा रुक के चढ़वानी है, जब मौसम जो है वो अच्छा होने लगेगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। और मेन गेट के लिए भी आप लोगों की, मेन गेट तो आप जरूर ही वो करवाना, तो मेन गेट हमारा बिल्कुल चढ़ेगा, दो मेन गेट है, दोनों मेन गेट तो हम चढ़वाएंगे, और जब चढ़वाएंगे तो आप लोग इसे जरूर साझा करेंगे। और बहुत ही, बहुत सोच समझ के, बहुत वो करके हमने मेन गेट का जो डिजाइन निकलवाया, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत हमें शायद मेन गेट में लगी। हाँ, थोड़ा अच्छा, क्योंकि उसमें हमने डिजाइन भी, फिर बहुत सारी चीजें थी वो सारी की, और टाइल्स में भी अच्छा खासा, मतलब जितना हमारे अंदर दिमाग है और जो हमारी, मतलब एक पिक्चर बन जाती है ना दिमाग में, ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। और अभी पूरा, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी इतनी जल्दी घर नहीं बनता है, आप बहुत जल्दी कर रहे हो, आप बहुत जल्दी कर रहे हो, तो हमारा थोड़ा सा टाइम ऐसा है, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें चीजें बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है। इतने बड़े रिस्क में हम काम करवा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क हमारे पास है कि मतलब ईश्वर न करे कुछ और ऐसा किसी के भी साथ ना हो, अगर जरा से भी चूक हो जाए तो हमारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, मतलब बहुत कुछ हमारा मिस हो जाए, खो जाएगा। अब वो सब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब सब ईश्वर कर रहा है, सब ठीक ही है, लेकिन बहुत रिस्क वाले माहौल में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और इस कमरे में कैसे एडजस्ट करें, दो दिन बारिश पड़ी रात रात भर, मतलब जो पानी बाल्टियों से बाहर निकालना और बड़ी दिक्कत है, वो आते हैं पानी वाले पॉइंट पे। हाँ, वो पानी क्यों ऐसा हुआ कि हम रात को पूरी पूरी रात और सुबह दिन में मतलब भीग रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, बहुत दिक्कत हुई, क्यों हुई ऐसी। जब हमने लेंटर का, हमारा पुराना लेंटर कुछ बचा हुआ था जिसको अपने भरवा दिया था, और कुछ और जो हमारा, ये सब चीजें बहुत कैलकुलेटेड माइंड में बड़े एक्सपीरियंस तरीके से आदमी को पता होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर आप समझना। पिछले वाले का ढाल जहां था हमारे लेंटर का, ढाल वहीं का वहीं रहा, हम उसको शायद सेटल करवा सकते थे, हमारे दिमाग में बात आई नहीं, सजेशन भी हमें किसी से ऐसा नहीं मिला उस वक्त, क्योंकि हमने किसी से साझा नहीं की, और हमारा ये था कि पानी हमें एक ही जगह उतारना है, तो वो पानी जो पिछले लेंटर का जहां उतरता था वहीं उतरा, अब जो नया लेंटर डलवाया हमने उसका पानी भी वहीं उतार दिया जहां वो पुराना उतरना था। अब दिमाग में नक्शा पहले से था हमारे के यहाँ मुमटी बनेगी, लेकिन इस वक्त ये दिमाग में नहीं, मुमटी बनेगी तो पानी जो हमारा लेंटर का ढाल है सारा, वो सारा ढाल इस वाले लेंटर का मुमटी के अंदर से जाएगा, है ना, उस लेंटर पे नहीं जाएगा ऊपर वाले पे। और सुनो ये भी बात ध्यान रखो, आप मिस्त्री कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, कोई भी मिस्त्री ये नहीं कहेगा नहीं होने का, नहीं, वो कहते हैं हाँ जी ऐसे घूम के आ जाएगा, बाद में जब हो जाने के बाद पता चलता है वो तो आया ही नहीं जैसे सोचा था, है ना, दिक्कत वहां आती है। अब हमारे साथ यही हो गया, शुरू में तो ना कोई सारे का पानी एक जगह उतर जाएगा, कहाँ उतर जाएगा, जहां छेद खोला, जहां होल करा, वहां तो पानी पहुंचता ही नहीं, पानी कहीं और ही पहुंच रहा। अब जैसे कि ये रूम हो गया, मुंटी होगी, अब कुछ पानी क्या है कि कुछ पानी को जगह इधर को मिल रही है, कुछ पानी को जगह इधर से मिल रही है, अब उधर से जो पानी घूम के आ रहा है वहां, अब मुंटी के अंदर से पानी जाना है जी, और कभी भी मुंटी में दिक्कत होगी, पाइप में दिक्कत होगी, तो मुंटी में जो फ्लोरिंग करवाओगे, टाइल्स लगाओगे, टाइल्स लगवाओगे, वो सब आपको फाड़नी पड़ेगी, और अगर लीक करेगा तो आपकी उसमें गैलरी में पानी होगा बारिश का, है ना। तो एक ऐसी डिफिकल्टी हमारे सामने है जिससे हम अब दो चार हो रहे हैं, और विश्वास मानिए मिस्त्री आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, और उन्हें देख देख के हमारा दिमाग खराब हो रहा है, और खुद मिस्त्री लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या करें, आज हमारा पूरा दिन मतलब इसी झंझट में निकल गया। हाँ, अब झीरी कटवा रहे हैं, लेंटर कटवा रहे हैं, पाइप नया 3-4 हजार रुपए का पाइप, तो प्लास्टिक का पाइप ही खराब हो गया हमारा 3-4 हजार रुपए का। उसके अलावा जो सामान उसके साथ में एडिशनल चीजें आती है वो गिनती में नहीं है, कितने की आगे कितने की लगी, जो खराब हो गई है बेवजह, सिर्फ इस वजह से कि एक जानकारी हमें नहीं थी कि ये दिक्कत ऐसे ऐसे बाद में आ सकती है, या हमें पता नहीं था, तजुर्बा नहीं था, इसलिए बता रहे हैं। और सुनिए सिर्फ इतनी बात नहीं, मिस्त्री आपस में लड़ रहे, दोनों मिस्त्री में से कोई सा काम नहीं कर रहा, तीसरे आदमी से काम कर रहे, उसको अलग पैसे दे रहे हैं। हाँ, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज बहुत बुरी हालत हुई है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट ये था कि पूरे लेंटर का पानी एक जगह जाना चाहिए, पूरे लेंटर पे कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। जब बारिश पड़ी ना तो क्या हुआ, जहां पे जाल लगा हुआ है वहां पे खड्डे की, जैसे खड्डे में पानी नहीं भर जाता उस तरीके से वहां नहीं भरा हुआ है, वो हमने दिखाया नहीं आपको। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब हम अनकंफर्टेबल थे सिचुएशन को देख के,
क्योंकि वहां के बाद पानी भरेगा तो जाल से नीचे सीधा अंदर जाएगा। हमारे तो बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे कि मुमटी है, मुमटी के लैंटर की में पानी आया, पानी आया, और हमें ये समझ, हम सुबह को उठे हमने देखा है ये पूरे लैंटर, नए लैंटर में पानी, ये कैसे। तो फिर मिस्त्री ने आके बोला कि इसकी फिनिशिंग नहीं हुई और लैंटर पे तराई वराई नहीं, तो पानी नहीं पिया। हाँ, तो इस वजह से अभी वो बोल तो रहे हैं, अभी हमारे नीचे किचन में पानी गया, उसे याद रखियो वाटर प्रूफिंग करवानी। हाँ, वाटर प्रूफिंग किचन में पानी गया। हाँ जी, हमारे नीचे किचन में तक पानी चला गया हमारी, मतलब कहीं ऐसी होना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस ऑन टाइम। अभी तो हम बहुत बड़ी उलझनों में हैं, क्योंकि जब तक हमारा पानी जाने का वो नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा टेंशन है, जब तक हमारा लैंटर बिल्कुल सही नहीं होगा तब तक हमें बहुत ही ज्यादा टेंशन है, जब तक वो लैंटर का वो। और एक वाटर प्रूफिंग होनी है, जो ये किनोर सी है उसमें जहाँ ये दीवार, जहाँ पे दो, जहाँ पे दो दीवारें मिल रही है, जॉइंट हो रहा है वहां पे, मतलब वाटर प्रूफिंग करवानी है। तो वो अभी मेरे अभी याद आया, वो कभी कल को भूल जावे, वो तो मेरे अभी। और कल फ्रंट वाली रेंज, तो बहुत सारी चीजें अभी कल के लिए है। हम, हमारा जो बैड एक्सपीरियंस, जो हमसे गलती हुई है बहुत सारी हुई है, क्योंकि देखिए हमने पहले ना कभी मकान बनाया, ना हमारी इतनी उम्र अभी है कि हम मकान बनवाए, है ना, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस मकान बनाने का। पर अगर अब कोई बनवाए ना, तो हम घर जाके, तो हमारी जान दो लोगों ने बचानी, दो तीन लोगों ने, एक इंटीरियर का काम हम कर सके अब। अब हम, अब इतनी नॉलेज बन गया हम लोगों। एक तो हमारा भाई है सौरभ, छोटा भाई है, ताऊ जी का बेटा मेरे, इनके मतलब ना, एक तो वो और एक हमारा पड़ोसी है दीवान जी, पुलिस में सचिन, और मम्मी पापा इनके मेरे, और एक दो हमारे ताऊ जी, हमारे ताऊ जी, ये चार पांच लोग अगर ना हो तो मकान हमारा क्या अभी बनता। तो हमारे पता क्या होता है, इनके जो भैया है अभी कुछ भी काम होता है, तो कोई टाइल्स का हो, चाहे छोटे भाई को बुलाना पड़ा है, छोटा भैया है इनका, मतलब उसको एक्सपीरियंस बहुत हो गया, बहुत एक्सपीरियंस। मैं हाउस टूर जो दिखाता हूँ ना आपको, एक्सपीरियंस भी किस लिए, क्योंकि उन्होंने खुद अभी अपना मकान रेडी किया है, तो बहुत तगड़ा मकान बना, उसका भी हाउस टूर डालेंगे आपको। तो वही है, तो अभी तो हमारे ना छोटी छोटी चीजें भी होती है, फिर गैलिए फोन करेंगे, मतलब कुछ भी चीजें। हाँ भाई, वो भी ना जा भाई, तो हमारे छोटे वाले ताऊ जी, मतलब जयवीर ताऊ जी, आप जानते होंगे, देखते होंगे वीडियो में, ज्यादातर नजर आए होंगे आपको, वो बहुत ज्यादा मतलब जो है रह करके चीजें करवाते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने करवाई है। मतलब कुल मिला के जो सलाहकार हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से इतना हुआ, और जो कमी रह गई तो आप लोगों ने पूरी करी, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने सलाह दी। एक गलती हमसे कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आपसे पहले शेयर नहीं कर पाए, ये क्या करें, अगर करते तो आप शायद आप लोगों से और बहुत अच्छे अच्छे सजेशन हमें मिलते। कर तो इसलिए नहीं पाए क्योंकि पता है वीडियोस बहुत कम बन पा रही हैं, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। अभी आज मेरे दो चक्कर लगे हैं मवान में, दो बार गई हुई हूँ पर वीडियो नहीं बनी, क्योंकि तो बनी इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अभी भी मुझे खाना बनाना है पर मैं वीडियो रेडी कर रही हूँ अभी। अभी आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, अब हमें नहीं पता, इसलिए तो हम बहुत एक्साइटेड थे, कब बताएं, कब बताएं, अब हमें नहीं पता आप लोगों को हमारी ये बकवास अच्छी लगी है या नहीं लगी है, आप लोगों ने कितना टाइम इसको सुना है या नहीं भी सुना है, पर हमें आप लोगों के साथ में शेयर करना था। फैमिली बोलने के लिए ही नहीं होती है, अपने अच्छे बुरे हर एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में शेयर करना है। और अगर आप ऐसी चीजें करने जा रहे हो तो एक दो भी लोगों को अगर हमारे उससे फायदा होता है तो बहुत अच्छा है। तो चलो जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की हमारी ये बातें और हमारा एक्सपीरियंस, और हमारा हेयर लुक, और हमारा व्लॉग देखना हो तो गौरवप्रिया व्लॉग हमारे चैनल पे, उस पे तो आप लोगों को जो हमने सोचा हुआ है वो तो अभी हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत एंगेज्ड हैं सब, बट कोई नहीं, टाइम आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, तब आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए तो वीडियो को एंड करते हैं, रोटी बनाते हैं क्योंकि अंकल जी को भूख लगी होगी, वेट कर रहे होंगे। अभी कुछ टाइम के लिए अंकल जी घर चले गए थे, आज ही आए हैं क्योंकि उनको बहुत फिक्र रहती है फिर कि वहां पे पता नहीं कैसे, और आते ही बस लग गए बिल्कुल, ये चीज यहाँ पड़ी, ये चीज यहाँ पड़ी, ये नहीं सिंगवाई, वो नहीं सिंगवाई, तो वो सारी चीजें। चलो जी फिर मिलते हैं आप लोगों से, इज ऑफ माई हार्ट है ना, इज अवर हार्ट, मतलब धड़कन है हमारे अंकल जी, वो भी नहीं रह पाते, मतलब एक दो दिन तो ठीक है चले जाएंगे, घूम लेंगे, थक गए थे वो बहुत ज्यादा, थक गए थे, इसी वजह से फिर हमने सोचा कि निकाल नहीं, एक दो दिन के लिए चले जाने दो, आराम कर लेंगे। बताएं ऊपर कमरा जो बड़ा है ना, बस उन्हीं के लिए बनाया, मतलब
बियॉन्ड प्लान बियॉन्ड एवरीथिंग, क्योंकि अंकल जी को अपना रूम चाहिए और उनको एक अपनी एलसीडी मतलब एलईडी का तो कोई मतलब ही नहीं, टीवी चाहिए जिसमें कि पुरानी से पुरानी मूवी आती हो। जब मिस्त्री लोग चले जाते हैं तो अंकल जी बस फिर जाके लेट के आराम से मूवी देखते हैं। तो चलो फिर उनके लिए खाना पीना भी बनाना है, वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो 20 मिनट का वीडियो है, ऐसे के ऐसे ही डालूंगी मैं, कोई एडिटिंग वेडिटिंग कुछ भी नहीं करूंगी। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, बड़ी मेहनत से बनाई है सच में, हाँ टॉप पे बुले बैठे रहो तुम।